आज बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुप्रिया चौधरी और सपा प्रत्याशी आनंद चौधरी ने नामांकन किया। नामांकन के उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि हमारे पास जीत के लिए पर्याप्त संख्या है। वहीं सपा नेता व पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा कि इस बार अध्यक्ष पद पर सपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। नामांकन के दौरान बीजेपी के बलिया लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी व विधायक सुरेंद्र सिंह, संजय यादव, धनंजय कनौजिया मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी व पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के पुत्र आनंद चौधरी के नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के समर्थक कलेक्ट्रेट गेट के बाहर नारे लगाते रहे। मैं आपकी जानकारी बढ़ाना चाहूँगा कि आनंद चौधरी मूलतः समाजवादी परिवार के हैं। इनके पिताजी ने समाजवादी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान किया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में हैं। एक दिन कोई शामियाने में गाना सुनने चला जाएगा तो उसके आचरण पर आरोप नहीं लगेगा। तो फिर भाजपा और सपा में क्या फर्क रह गया कि अगर अपने प्रत्याशी जीतने के बावजूद अगर वो दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर? बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने आनंद चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाप समाजवादी आंदोलन में अपने को खपाया है, लगाया है, सरकार बनाई है, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाया है जिसके खानदान से माननीय चंद्रशेखर जी का रिश्ता रहा है, माननीय रामगोविंद चौधरी जी से रिश्ता रहा है, अंबिका चौधरी जी रिश्तेदार हैं, संग्राम सिंह यादव रिश्तेदार हैं, नारद राय ने हर दुख सुख में काम करने का काम किया है, दूर दूर से भी वह भारतीय जनता पार्टी के करीब नहीं रहा है, उन लोगों ने उधारी कर लिया है, हम तो अपने बेटा को उम्मीदवार। अब तो चंद्रशेखर जी का पूरा परिवार ही भाजपा में हो गया, उनके बेटे से लेकर पूरा फैमिली। और वो चंद्रशेखर जी का बेटा नहीं है? चंद्रशेखर बेटा का होता है? कागज पत्र का बेटा होता है? ये सब लोग चंद्रशेखर जी के करीबी है, परिवार के हैं। हम सब लोग अपने को चंद्रशेखर जी का अपना अभिभावक मानते हैं और आज भी उनका आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिलता है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर चंद्रशेखर जी की तस्वीर लगी है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर चंद्रशेखर जी की तस्वीर हिंदुस्तान के किसी कोने में दिखला लीजिए तो गुलामी दिखला।